छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने सहित कानून व्यवस्था, कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम, पराली प्रबंधन तथा एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नालीकर, डीआईजी रेंज राजेश जी मोडक, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, जीडीए वीसी अनुज कुमार सिंह, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने निर्देश दिए कि सूर्य षष्ठी पर्व को सकुशल संपन्न कराया जाए तथा किसी भी हालत में खेतों पर जलने वाली पराली पर रोक लगाई जाए, जिसे एनजीटी के निर्देशों का पालन किया जा सके। मीडिया को ब्रीफ करें और सही तथ्यों के सामने रखें ताकि गलत तथ्य कोई मीडिया में ना आए। दूसरी बात जो मुझे कहनी है, एक घटना होती है कोई, उसमें जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर, इनका तत्काल मौके पर विजिट, जितना जल्दी जैसी सूचना मिलती है इमीडिएटली देयर गाइडेंस पूरी इन्वेस्टिगेट ऑफिसर्स जो निजी अधिकारी जांच कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अगर कोई घटना ऐसी होती है जिसमें कि जिसके कमरे ओवर में हो सकते हैं, जिनमें जातीय संघर्ष की बात या बड़े बेहद ढंग से अपराध किया गया हो, बड़ी अमानवीय ढंग से कोई तत्व किया गया हो, जिसमें कि पूरे समाज में भय व्याप्त होता है, या देना चाहूंगा तत्काल मौके का निरीक्षण करेंगे। इसमें विलंब ना स्वीकार होगा ना क्षम्य होगा। जब कोई घटना हो जाती है, कोई मदद होता है, तो बड़े लंबे समय तक डेड बॉडी रही रहती है, ना समय से उसका पोस्टमार्टम होता है, ना समय से कनेक्शन होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि घटना घटित होने के बाद तत्काल पंचनामा हो। पंचनामा में पीड़ित पक्ष के लोगों को बुला लिया जाता है, लेकिन अगर पीड़ित पक्ष लोग नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हमारा हम एक दिन या दो दिन बॉडी रखे रहें, पंचनामा ही ना करें। यहाँ पर प्रोविजंस हैं इंक्वेस्ट करने के, उनमें इंक्वेस्ट भी टाइमली तुरंत होना चाहिए।